आपकी बेसल इक्वेशन के बारे में। बेसल इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस, इसे क्या बोलते हैं बेसल इक्वेशन। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इनटू वाई इक्वल टू जीरो, दिस इज द स्टैंडर्ड बेसल इक्वेशन। वी आर गोइंग टू फाइंड और वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने माने किसका कोई सोल्यूशन मान लिया हमने पावर सी टाइप का, लेट सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन बी y equal to x की पावर a not plus a1 x plus a2 x square and so on, चलता रहेगा इनफिनिट टाइम तक। सॉल्यूशन तो क्या था, y की वैल्यू निकालना हमारे पास, तो y की वैल्यू निकालनी हमने, y के लिए हमारे पास a not a1 a2 वैल्यू निकालने के लिए हम अब कार्य करेंगे। तो y equal to क्या x की पावर into a not plus a1 x plus a2 x square and so on हमारे पास गिवन है। अब यदि इसको निकालना चाहिए हमारे पास, समय से फॉर्म लिखे हमारे पास, इसको क्या लिख देंगे हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे a not है, यहाँ पे पावर m की m plus 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा x की पावर m प्लस 1 होगी। क्यों इसको लिखने मल्टीप्लाई करें हमारे पास, व्हाट वी गेट y इक्वल टू x की पावर m इनटू a नॉट प्लस a1 x की पावर m प्लस 1 प्लस a2 x की पावर m प्लस 2 एंड सो ऑन वैल्यू आएगी हमारे पास लास्ट एंड तक। अब यदि यहाँ पे m यहाँ a नॉट है तो m प्लस 0 है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है a1 है तो x की पावर m प्लस 1 है, यहाँ पे a2 है तो x की पावर m प्लस 2 है, मतलब जो भी यहाँ पे इंडेक्स होता है हमारे पास, जो भी हमने यहाँ पे इंडेक्स लिया, जो भी हमने लिया यहाँ पे हमारे पास, वही हमारे पास एम के अंदर प्लस में है। यहाँ पे वन था तो यहाँ वन प्लस किया एम के अंदर, एम के अंदर यहाँ पे जीरो था, एम में जीरो ऐड किया। तो यदि इसको समेशन को लिया चाहे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट वाई इक्वल टू समेशन आर की वैल्यू जीरो से लेके इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में तो पता नहीं कितनी टर्म आएंगे हमारे पास, ये क्या था हमारे पास डॉट डॉट एंड सो ऑन का था, हमने चलती रहेगी टर्म हमारे पास, ठीक है। तो हमने कहा कि समेशन ए आर, ए आर कोई भी नंबर, आर कोई भी नंबर, वन टू थ्री जीरो कुछ भी हो सकता है, तो आर इक्वल जीरो से लेके इनफिनिटी लिख दिया हमने, ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर, जो हमने दिखाया भी आपको कि ए नॉट है तो एक्स की पावर एम प्लस जीरो है, ए वन है तो एक्स की पावर एम प्लस वन है, तो जहां पे जो भी आर होगा, जो भी हमारे पास आर है, जो भी हमारे पास आर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एम में ऊपर एड हो चुका है आर के इक्वल, और आर इक्वल जीरो से इनफिनिटी वैल्यू क्यों कर रही है, इनफाइनाइट टर्म्स है, और यहाँ पे a नॉट से स्टार्ट वैल्यू है, a नॉट मतलब a जीरो r के जीरो से स्टार्ट होगी, इसलिए हमने कहा कि समेशन r के जीरो से इनफिनिटी a r x की पावर m प्लस r इक्वल होगा। अब हमें क्या निकालना, y तुमने मान लिया, अब हमें निकालना सॉल्व इस इक्वेशन का, तो हमें क्या करना है d / dx निकालेंगे और d स्क्वायर / dx दोनों निकालेंगे, y हमें पता लग गया, y हमने माना ये सॉल्यूशन समेशन फॉर्म में, d / dx निकाल दें आप, इसका डबल डेरिवेटिव कर दें और वैल्यू सारी पुट करने जस्ट, यू विल गेट द सॉल्यूशन। भाई बात करते कैसे करेंगे, बहुत ही आसान स्टेप हमारे पास, थोड़ा सा एक हमारे पास 59 डेक्स करना, वो कैसे करेंगे बात करेंगे, ये वाई आगे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, समेशन सेम रहेगा, आर की वैल्यू जीरो से लेके इनफिनिटी, ए आर कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, एक्स की पावर एम प्लस आर क्योंकि डायरेक्टली रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं, एक्स कर रहे हैं, वाई का रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ए आर तो कॉन्स्टेंट बाहर आएगा। अब यदि बात करें एक्स की पावर एम प्लस आर है तो डायरेक्टली तो क्या होगा, एम प्लस आर पहले पावर आएगी क्योंकि एक्स की कितनी पावर हो हमारे पास, डायरेक्टली तो क्या होता है पावर पहले आती है, तो एम प्लस आर पहले आएगी, एक बार कम कर देंगे x की पावर m प्लस r माइनस 1 कर देंगे, ठीक है जी, ये हमारे पास टर्म आ गई। और यदि दोबारा डेरिवेटिव करना चाहिए हमारे पास d स्क्वायर / dx के करना चाहिए तो व्हाट वी गेट, r की वैल्यू 0 से लेके इनफिनिटी ar, अब m प्लस r तो था ही, कांस्टेंट बार आएगा हमारे पास, अब क्या x की पावर m प्लस r माइनस 1, तो ये पावर पहले आएगी, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो m प्लस r माइनस 1 x की पावर m प्लस r माइनस 2, ठीक है जी। हमने क्या किया, हमने माना था y इक्वल टू सोल्यूशन, कैसे माना हमने बात की, क्योंकि हमारे पास जो हमने माना y इक्वल टू x की पावर m a नॉट प्लस a1 x की पावर m प्लस 1 a2 x की पावर m प्लस 2 एंड सो ऑन, जो हमने माना है इसी को हमने समेशन फॉर्म लिखा, कैसे लिखा हमने एक्सप्लेन किया डिटेल में, यदि a नॉट है तो x की पावर m प्लस 0 है, a1 है तो x की पावर m प्लस 1 है, a2 है तो x की पावर m प्लस 2 है, और r की वैल्यू इनफाइनाइट टर्म तक चल रही है हमारे पास, तो हमने कहा कि ऊपर वैल्यू तो इनफाइनाइट आएगी, और a नॉट से स्टार्ट है r की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक लिखा y इक्वल टू दिस टर्म। नेक्स्ट हमने बात की हमें बेसल इक्वेशन क्या गिवन है, बेसल इक्वेशन क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इनटू वाई इक्वल टू जीरो। वाई हमें पता है जो हम लेके चले हैं, डी बाय डी एक्स हम निकालना चाह रहे हैं और डी स्क्वायर बाय डी एक्स निकालना चाह रहे हैं, सो दैट वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द बेसल इक्वेशन। तो हमने क्या किया, वाई हमने माना ये डी बाय डी एक्स किया, डी बाय डी एक्स कैसे किया, समेशन आर के जो से गिवन सेम बाहर रहेगा, ए आर कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव अंदर पहली बार रहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं डेरिवेटिव के अंदर हमेशा कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देते हैं हमारे पास, जो एक्स वेरिएबल है इसकी पार एम प्लस आर है, इसका डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, एम प्लस आर पहले आएगा, एक्स की पार एक कम कर देंगे, एम प्लस आर माइनस वन कर देंगे,
सेम डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर हमारे पास निकालना है, क्योंकि हमारे पास बेसल इक्वेशन में वाई भी है, डी बाई डी एक्स भी है और डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर भी है। तो हमने क्या किया, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है। अगेन समेशन सेम रहेगा, ए आर सेम रहेगा, एम प्लस आर कॉस थीटा सेम रहेगा, एम प्लस एक्स की बार एम प्लस आर माइनस वन है तो क्या करें, पहले लिख देंगे और एक बार कम कर देंगे, एम प्लस आर माइनस टू लिख देंगे जस्ट एज इट इज। ठीक है जी, आफ्टर दिस व्हाट वी गेट वाई इन समेशन फॉर्म, डी बाई डी एक्स इन समेशन फॉर्म, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन समेशन फॉर्म। हम जो अगला स्टेप करने वाले बहुत ही आसान स्टेप है कि वाई डी बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स जो निकाल रहा है, इन सभी तीनों वैल्यू को हम पुट करेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ द बेसल x square into d square by dx square plus x dy by dx plus x square minus n square into y equal to 0 में यहाँ put करें इसकी value जो निकाली हो यहाँ पर y की value। What we get, आइए बात करते हैं कैसे निकालेंगे। ये जो put करें हमारे पास equation लिख लेते हैं, हमारे पास Bessel equation क्या होती है, Bessel equation is given by, Bessel equation क्या होती है is given by, जैसे कि आप जानते हैं क्या होती है, x square d square y by dx square plus x dy by dx plus x square minus n square into y equal to 0, जैसे कि हम बात करते हैं। अब वैल्यू पुट करनी है हमारे पास, क्या करेंगे, x के सेम रखेंगे, d square y by dx square जो वैल्यू निकाल दी हमारे पास क्या थी, समेशन r की वैल्यू से लेकर इनफिनिटी ar, पुट करें वैल्यू, समेशन r की वैल्यू 0 से लेकर इनफिनिटी ar m plus r minus 1, जो हमारे पास वैल्यू थी, हमारे पास ar m plus r minus 1, x की पावर m plus r minus 2, क्या करेंगे, x की पावर m plus r minus 2, ठीक है जी, it is just the value of d square over dx square, ठीक है जी, next क्या करेंगे, plus x d over dx square put करेंगे, क्या होती है, summation r की वैल्यू 0 से लेकर infinity ar x की पावर, उससे पहले हमारे पास जो टर्म थी देख लेते हैं, हमारे पास क्या थी, ए आर एम प्लस आर के साथ एम प्लस आर एंड यहाँ पे क्या था, एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस वन, एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस वन, ठीक है जी, इट वाज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स एंड एट फाइनल लास्ट में क्या करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इनटू वाई, वाई क्या है हमारे पास, what was the y in summation form, it is r की वैल्यू से लेकर इनफिनिटी ar x की पावर m plus r, summation r की वैल्यू, summation r की वैल्यू 0 से लेकर इनफिनिटी, summation r का 0 से लेकर इनफिनिटी ar x की पावर m plus r, ar x की पावर m plus r हमारे पास टर्म है, ठीक है जी, आज की जाए, ठीक है जी। अब अगला स्टेप क्या, आपको मल्टीप्लाई करना है हमारे पास एक्स स्क्वायर को अंदर की तरफ, यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई करना आपको अंदर की तरफ और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना, व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो यदि हम पुट करें हमारे पास वैल्यू तो क्या होगा, अब यदि एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस टू है यहाँ पे, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है टू मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा, यदि बेस सेम होता है एक्स तो पावर क्या होती है एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वही बेस सेम है एक्स सेम है तो मल्टीप्लाई पावर है तो क्या हो जाएगी हमारे पास ऐड हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे समेशन, क्या लिखेंगे समेशन आर की वैल्यू जीरो से लेकर इनफिनिटी ए आर एम प्लस आर माइनस वन इंटू एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस टू प्लस टू विल बी जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दिया हमने एच प्लस, क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे समेशन आर की वैल्यू जीरो से लेकर इनफिनिटी ए आर एम प्लस आर कॉन्स्टेंट है, अब यहाँ पे क्या होगा एक्स की पावर एम प्लस आर माइनस वन है, यहाँ पे एक्स की पावर एक है तो क्या करेंगे बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे एम प्लस आर माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, इट विल बी लाइक एक्स की पावर एम प्लस आर होगा, ठीक है जी, प्लस क्या होगा मल्टीप्लाई करें अंदर इसको, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या होगा प्लस क्या होगा, यदि बात करें प्लस प्लस क्या होगा